होमगार्ड ड्यूटी घोटाले के दस्तावेजों में आग लग गई। होमगार्ड कमांडेंट दफ्तर में रखे दस्तावेजों में लगी आग। सिर्फ जांच वाले दस्तावेजों के बक्से में ही लगी आग। दस्तावेजों को जानबूझकर जलाए जाने की आशंका, मौके पर पहुंची पुलिस ने बुझवाई आग। होमगार्ड ड्यूटी घोटाले में लगातार पुलिस कर रही थी जांच। जांच को बाधित करने के लिए जलाए गए दस्तावेज। सूरजपुर स्थित होमगार्ड कमांडेंट दफ्तर का ये मामला है। सैलरी घोटाले को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला कमांडेंट पर चल रही थी जांच। फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके होमगार्ड डिपार्टमेंट में हुआ था करोड़ों का घोटाला। एसएसपी वैभव कृष्ण के आदेश के बाद चल रही थी जांच। सूरजपुर थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज। करोड़ों रुपए के घोटाले को मिटाने के लिए दस्तावेजों में लगाई गई थी आग। बक्से में रखे हुए दस्तावेज जलकर हुए राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग कैसे और क्यों लगी, इसकी जांच में जुटी है अब पुलिस। ग्रेटर नोएडा में होमगार्ड घोटाले में ये नया मोड़ आया है कि दफ्तर में रखे दस्तावेज आग के हवाले हो गए। एसएसपी वैभव कृष्ण ने भी होमगार्ड दफ्तर का मुआयना किया है। इस अग्निकांड के बाद जिला होमगार्ड कमांडेंट से आग लगने के बारे में किया गया है वार्तालाप। करीब एक घंटे होमगार्ड दफ्तर में चला वार्तालाप। इसके साथ ही होमगार्ड दफ्तर का निरीक्षण भी किया गया। ये माना जा रहा है कि दस्तावेज जलाए जाने का कारण घोटाला है। 2014 से 2016 के मध्य के दस्तावेज जलाकर राख कर दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर के होमगार्ड कार्यालय में आग लगने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड कार्यालय में आग लगने की घटना की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आज शाम तक कार्यवाही कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव होमगार्ड और महानिदेशक होमगार्ड को शाम तक रिपोर्ट देने के निर्देश और दिए गए। इसी के चलते गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी ने इस घोटाले में कार्यवाही तेज करा दी। इस कार्यवाही के तहत आज इस घोटाले में 5 बड़ी गिरफ्तारियां हुई बताई गई हैं। 5 बड़ी गिरफ्तारियां हो गई हैं होमगार्ड वेतन घोटाले में। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये गिरफ्तारियां एडीसी सतीश, प्लाटून कमांडर शैलेंद्र, मोंटू सतवीर और होमगार्ड कमांडेंट तत्कालीन राज नारायण चौरसिया की हुई। इस प्रकार ये होमगार्ड घोटाला जो है वो लगातार बना हुआ है सुर्खियों में। उत्तर प्रदेश का ये होमगार्ड घोटाला, नोएडा का ये होमगार्ड घोटाला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें कुछ अपडेट्स और हैं, ये हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद इसमें जो पुलिस प्रशासन है वो भी सख्त हो गया है। आईजी मेरठ ने ये कहा है कि होमगार्ड दस्तावेज अग्निकांड मामले में जो भी आरोपी होंगे उन पर गैंगस्टर लगाया जाएगा, गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। होमगार्ड दस्तावेज अग्निकांड में जो दस्तावेज जलाए गए हैं, उन दस्तावेजों को जलाए जाने के मामले के जो भी आरोपी होंगे उन पर गैंगस्टर लगेगा।
देखिए, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड जो पहले जनपद गौतम बुद्ध नगर में हुआ करते थे, राम नारायण चौरसिया, अभी वर्तमान में डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड अलीगढ़ हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक A2DC जनपद गौतम बुद्ध नगर में होमगार्ड्स विभाग में जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 अवैतनिक प्लेटून कमांडर्स हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इनके ऊपर आरोप ये है कि ये फर्जी मस्टर रोल तैयार करके सरकारी धन का आहरण करते थे सैलरी के रूप में। जो लोग ड्यूटी पे नहीं आए हैं उन्हें भी दिखाते थे। बड़े पैमाने पे इनके द्वारा काफ़ी कार्यालयों और थानों के मस्टर रोल के साथ ऐसा किया गया है और काफ़ी वर्षों से किया जा रहा था। इन लोगों से विस्तृत पूछताछ हुई है, सभी ने एक्सेप्ट किया है और डिटेल्ड में पुलिस को अपनी मोडस ऑपरेंडी बताई है। सारे फैक्ट्स के साथ, रिलेवेंट एविडेंस के साथ हम लोग इन्हें आज कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। एक जो जलने वाला प्रकरण हुआ था उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, डिटेल उसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। किन परिस्थितियों में आग लगाई गई, किसने आग लगाई, किस इंटेंशन से लगाई, इसका भी शीघ्र पर्दाफाश किया जाएगा। तो सर, अगर बात की जाए जो मास्टर जले थे उनमें जो लोग पकड़े गए वो भी शामिल थे? अभी कहना ये संभव नहीं है। हम लोग ऑन मेरिट्स डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनसे भी डिटेल उसमें पूछताछ की जाएगी और सारे फैक्ट्स जो है वो संज्ञान में लाए जाएंगे।